दोस्तों सबसे पहले मेरे पीछे इस सूची को देखिएगा, ये लिस्ट, ये सूची दोस्तों चौंकाने वाली बात है। इस बोर्ड में जहां पर बीजेपी ने फैसला लिया अपने वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को जगह नहीं दी, बीएस युद्रप्पा, बीएल संतोष संसदीय बोर्ड में एंट्री लेते हैं लेकिन शिवराज सिंह चौहान नए संसदीय बोर्ड से बाहर हो जाते हैं, गडकरी भी बाहर। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ही सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, इसके साथ एक और बड़ा फैसला हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मालूम होगा संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था है, संगठन के लिहाज से पार्टी के तमाम बड़े फैसले यही बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि बोर्ड में अपने सबसे अनुभवी चेहरों में से एक शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को उस लिस्ट में जगह तक नहीं देती बीजेपी। अब सवाल यह कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ नड्डा वाली बीजेपी में, एक वो मंत्री जो मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा चेहरा है, हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं नितिन गडकरी, जिनके मंत्रालयों के परफॉर्मेंस को लेकर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, और दूसरा बड़ा चेहरा संगठन के लिहाज से भी और मुख्यमंत्री के चेहरों के तौर पर भी शिवराज सिंह चौहान कमान संभालते रहे, और दोनों की पृष्ठभूमि आरएसएस की। अब लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल है दोस्तों, अब मैं सबसे पहले वो भी आपको लिस्ट दिखा देता हूं, और फिर उसके बाद चुनाव संचालन समिति, उसका काम करने का तरीका क्या है, और ये महत्वपूर्ण क्यों है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस लिस्ट का। लेकिन पहले दोस्तों इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, और इस लिस्ट में भी एक सवाल छिपा है, देश के प्रधानमंत्री से ही सवाल है। इस लिस्ट में देखिए जेपी नड्डा अध्यक्ष के रूप में है, उनका होना वाजिब है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, उनका नाम भी वाजिब है। राजनाथ सिंह तीसरे नंबर पर, अमित शाह, बी एस येदियुरप्पा, सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण, बी एस संतोष। अब संसदीय बोर्ड में सवाल मेरा यह है, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी किया, नारी के सम्मान का। लेकिन इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, संसदीय बोर्ड में कितने महिला चेहरे हैं। पीएम मोदी जी, इस लिस्ट पर आप भी गौर कीजिएगा कि आपने संसदीय बोर्ड की जो लिस्ट जारी की है संगठन के लिहाज से, संगठन में कितनी महिलाओं को आपने तरजीह दी है। खैर, केंद्रीय चुनाव समिति का गठन भी बीजेपी ने किया है, अब वो लिस्ट भी आपके सामने है दोस्तों। इसमें 15 नाम आप देख रहे होंगे, 15 चेहरों को शामिल किया गया है लिस्ट में। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय संसदीय समिति की तरह चुनाव समिति का अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही बनाया गया है, स्वाभाविक है, पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन इस लिस्ट में कुछ फेरबदल किया गया है, जैसे कि जेपी नड्डा दिखाई देंगे आपको इस लिस्ट में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, राजनाथ सिंह का नाम, अमित शाह का नाम, बी एस येदियुरप्पा का नाम, सोनोवाल का नाम, के लक्ष्मण का नाम, ये सब नाम वही हैं, इकबाल सिंह लालपुरा का नाम, सुधा यादव का नाम, सत्यनारायण का नाम इस लिस्ट में है। लेकिन अगला नाम कौन सा है, देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, संसदीय बोर्ड में नहीं तो उन्हें दूसरी ताकतवर बीजेपी की संस्था कही जाने वाली चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं ओम माथुर, बीएल संतोष, मंत्री श्रीनिवास, और इसके साथ साथ एक और बड़ा नाम भूपेंद्र यादव जो वन मंत्री हैं, और राजस्थान से आने वाले ओम माथुर को भी इस चुनाव समिति में जगह दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति, याद कीजिए दोस्तों, इस समिति में कभी शहनवाज हुसैन को शामिल किया गया था, उन्हें हटाया गया है। अब सवाल यह कि नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट से क्यों हटाया गया, जो खुद आरएसएस की गुड बुक में शामिल रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री पद तक के दावेदार रहे गडकरी, और शिवराज सिंह चौहान
जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में गिने जाते रहे हैं, उन्हें इस लिस्ट से हटाया गया। लेकिन हां, आपको यह जानना चाहिए कि क्यों ताकतवर संस्था है ये बीजेपी की संसदीय बोर्ड। इस सवाल का जवाब भी बेहद दिलचस्प है कि इस लिस्ट में गडकरी का शामिल ना होना चौंकाने वाली बात है, क्योंकि संसदीय बोर्ड जो पार्टी का सबसे ताकतवर संस्था के रूप में माना जाता है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी भी राज्य में गठबंधन की बात की जाती है तो संसदीय बोर्ड का फैसला अंतिम माना जाता है। यह बीजेपी का इतिहास रहा है, बीजेपी का नियम रहा है, संगठन के जो नियम कायदे कानून है राज्यों में। इतना ही नहीं, अगर आपको विधान परिषद या फिर विधानसभा में लीडर चुनना है तो यही बोर्ड तय करता है। तो इसलिए गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का इसमें ना शामिल होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जहां तक बात रही चुनाव समिति की, तो यह बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है ताकतवर रूप से। वो कैसे, वो भी समझिए। दरअसल चुनाव समिति का जो सदस्य है, जो भी सदस्य है, वो लोकसभा से लेकर विधानसभा, राज्य में कहीं भी चुनाव होंगे, वो टिकटों पर अंतिम फैसला लेते हैं। जो पैनल बनता है, जो सिफारिश की जाती है, उसमें यही पैनल, यही बोर्ड, चुनाव संचालन समिति तय करता है कि विधानसभा में किसे टिकट देना है और लोकसभा में किसे उतारना है। और इतना ही नहीं, सीधे तौर पर चुनावी राजनीति, राजनीति से किसे बाहर रखा जाएगा, कौन आएगा, यही बोर्ड तय करता है। चुनावी मामलों की सभी शक्तियां, आप इसे कह सकते हैं कि वो चुनाव समिति के पास होती है बीजेपी की। तो ऐसे में क्या रहा, क्यों रहा, आप इसे कह सकते हैं ये दोनों बोर्ड शक्तिशाली बोर्ड हैं। तो इस समिति और बोर्ड के लायक गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं समझा गया? क्या वाकई में ये प्रयोग है दोस्तों, या संजोग है? गडकरी से बीजेपी ने क्यों किनारा किया, क्यों शिवराज को किनारे कर दिया? चुनाव संचालन समिति से गडकरी को बाहर करने के पीछे मंशा क्या है, सोच क्या है? क्या वाकई बीजेपी या बीजेपी के शीर्ष नेता गडकरी को उनके कद का एहसास करा रहे हैं? यह अपने आप में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर आपके पास भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।